हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपके साथ में ये लुक करने वाली हूँ जो मतलब मैंने सोचा नहीं था, बट कहीं ना कहीं अच्छा टर्न आउट हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मतलब बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बहुत अलग लग रहा है। मतलब काफ़ी दिनों के बाद कर रही हूँ और थोड़ा सा फेक सा भी लग रहा है, बट आप कुछ नहीं कर सकते। शायद पूरे वीडियो में मैं थोड़ा फेक टाइप में लगूँ, बट फेक नहीं, मुझे बोलना नहीं आ रहा है पूरे वीडियो में। सो वही कुछ है। और ये लुक कैसा लग रहा है? अब मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि अब मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया है, तो अब मैं अच्छी भी लग रही हूँ ना, तो अच्छा लग रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो चेकआउट कर लेना आप। और विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट पता है आपको कि ये लुक कौन सा है? ये मैंने वैलेंटाइन डे स्पेशल मेकअप लुक किया है। सो बेसिकली सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को ड्रामेटिक लुक पसंद है, किसी को बहुत सटल पसंद है, किसी को बहुत सोबर पसंद है, किसी को तो मेकअप ही नहीं पसंद है, किसी किसी को बोल्ड पसंद है, किसी किसी को समझ रहे हो नेचुरल। मतलब सबका अपना अपना चॉइस होता है। बहुत से लोग खुद की इच्छा से तैयार होते हैं, बहुत से लोग अपने पार्टनर की इच्छा के हिसाब से तैयार होते हैं। तो बेसिकली आज मैं अपनी इच्छा से इस टाइप से तैयार हुई हूँ। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ। अभी आप वीडियो की तरफ प्रस्थान करिए। लेंसेस अप्लाई कर लिए हैं। लेंसेस आर फ्रॉम अनमा ब्यूटी एंड दीज आर टू कम्फी लेंसेस। और इसमें जो शेड मैंने लिया है ग्रे कलर, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ग्रे ज़रूर है बट बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं मेकअप। सो ऑलरेडी मैंने जैसे ही बात लिया था तो मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज वगैरह कर लिया था, बट काफ़ी देर हो गया है और अब मेरा फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग सा फील हो रहा है। मैं अप्लाई करने वाली हूँ मामा अर्थ की ये डे क्रीम, और उपटन डे क्रीम है ये, काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। सो मैं इसी को अप्लाई करूँगी। तो और आप मुझे बताओ क्या चल रहा है, सब कुछ कैसा है। देन मैं यूज़ करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का ये पर्ल इल्यूमिनेटर। एंड ये तो मतलब ओह शिट, पता नहीं किसी ने ऑलरेडी यूज़ किया था कि ये अपने आप ही कैसे निकलने लग गया। सो बहुत सारा अपने आप ही निकला हुआ था, तो गलती से कुछ ज़्यादा ही आ गया है, बट नो वरी, बिकॉज इसको लगाने का वैसे आज कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इसके ऊपर मैं एक मैट फाउंडेशन लगाने वाली हूँ। सो मेरी बहुत दिनों से मैंने ये फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था, तो आई थॉट चलो यही फाउंडेशन को यूज़ करते हैं। आपके फेस को एक हाइड्रेशन भी देता है और एट द सेम टाइम ये ग्लो भी देता है। कैन यू सी द ग्लो ऑन माई फेस? कितना मतलब ग्लोई ग्लोई सा स्किन लग रहा है। और राइट नाउ मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ और उसी के साथ साथ में मैंने लेंसेस अप्लाई किए हैं, थोड़े से डार्क सर्कल्स एनहांस हो गया है, सो उसकी वजह से थोड़ी सी हॉरिबल लग रही हूँ, बट डोंट वरी, थोड़ी देर में सब हम मेकअप से थोड़ा सेट आउट कर देंगे। इस शुगर का ये स्टिक जो कि एक प्राइमर स्टिक है एंड ऐसी है, एकदम स्मूथ टेक्सचर कर देंगी और थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी फील होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम मैटिफाइंग कर देगा। तो ये मुझे अच्छी लगी ये स्टिक। सो आज मैं डायरेक्टली फाउंडेशन की तरफ बढ़ रही हूँ जो कि है ये लॉरियल पैरिस के इनफेलिएबल फाउंडेशन प्रो मैट फाउंडेशन। सो इसमें मैं 107 108 ये दोनों शेड को मिक्स करूँगी एंड अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। एक येलो अंडरटोन में है एंड ये एकदम मैट फाउंडेशन है। सो अभी आप लोग देखना मेरे फेस से सारा का सारा ड्यूइनेस चला जाएगा और ये एकदम मैट हो जाएगा येलो अंडरटोन। सो इसने जो मेरे फेस पे जो रेडनेस थी उसको भी कैंसिल आउट कर दिया। सो यू कैन सी द कवरेज कितने अच्छे से कैंसिल आउट किया है डार्कनेस को एंड रेडनेस को। फाउंडेशन एक सेल्फ सेटिंग फाउंडेशन है, सो मेक इट श्योर कि अगर आपका ड्राई स्किन है तो इस फाउंडेशन से आपको दूर रहना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग कर देगा। मैं यूज़ करूँगी टू हाईलाइट माई फेस मार्स का कंसीलर, मार्स कॉस्मेटिक का। ये मेरा फर्स्ट परचेस है और ये एले गर्ल की पैकेजिंग में आता है एंड आई पिक्ड अप अ रॉन्ग शेड, बट हाईलाइटिंग कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। सो पर्सनली मुझे पता नहीं क्यों ये कंसीलर अच्छा नहीं लगा, बिकॉज मैंने शायद रॉन्ग शेड लिया है या रॉन्ग शेड है
इसीलिए। और ये सेल्फ सेटिंग कंसीलर है, बहुत ही जल्दी जल्दी ड्राई हो जाता है, तो एकदम से यहाँ वहाँ लगा के छोड़ मत देना, फटाफट से इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि ये थोड़ा सा वॉश अप कर रहा है मेरे फेस पे, तो थोड़े मेरे डार्क सर्कल और एनहांस होके दिख रहे हैं, बट इट्स ओके, हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। कॉन्टोरिंग करनी है नहीं करनी है, ऑफकोर्स वैलेंटाइन डे है तो दिन में अगर आप जा रहे हो तो कॉन्टोरिंग थोड़ी हार्श लगेंगी, आप नाइट में जा रहे हो तो कॉन्टोरिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं। अब राइट नाउ आई डोंट हैव एग्जैक्ट ब्रॉन्जर शेड और मेरे जो पैलेट्स में हैं, बट अभी मुझे उतना नहीं है, सो मैं इसको बहुत ही हल्का हल्का सा अप्लाई करूँगी और ब्लेंड करूँगी। ये है इनसाइड का टू इन वन स्टिक, इसमें आपको हाईलाइटर और कॉन्टोर मिल जाएगा। फॉर ब्लश मैं यूज करूंगी इबा कॉस्मेटिक्स का ये मस्ट हैव एवरीडे लिप एंड चिक टिंट, और ये इसकी पैकेजिंग काफी अच्छी है, और मैंने जो लिया है कलर वो है टाइमलेस मोका, ये शेड लिया है, एंड लुक एट द कलर। तो देखते हैं अभी कैसा लगेगा। सो मैं अभी अपने ऑफ द चिक्स पे लगाऊ, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट सी की विल सी की ब्लेंड होने पे कैसा दिखता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया एक्चुअली, बट ये जो टिंट है तो ये एकदम स्किन में एकदम मेल्ट हो गया है, देखो एकदम ऐसा लग रहा है कि स्किन के अंदर से मेरा स्किन जो एक होता है ना बहुत रेड रेड सा होता है, वैसे टाइप का स्किन लग रहा है। तो ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टिंट है, आपने एक बार ट्राई करना चाहिए। सो बेसिकली ये लिप एंड चिक टिंट है, तो इसको मैं एज अ लिप लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकती हूँ, मतलब टिंट, और आई शेडो बेस की तरह भी अप्लाई कर सकती हूँ। तो आई थिंक मैंने ट्राई करना चाहिए इसको एज आई शेडो बेस। ये टिंट फॉर्म में है ना, तो आपकी आईज पे से क्रीजिंग काइंड ऑफ दे सकता है, तो आप किसी भी पाउडर से, मतलब इस टाइप के आई शेडो पाउडर से आप सेट कर सकते हैं। तो मैं यूज़ कर रही हूँ निकाकी का ये ऑटम स्पाइस पैलेट, एंड इसमें से कोई भी शेड ले लो जो आपको एकदम से चाहिए, जो नेचुरल लुकिंग शेड हो। तो ये तीन शेड्स को मिक्स कर लेती हूँ मैं। अब मैंने ना ये लिया है, ये है रॉन्सले मेटेलिक आईलाइनर, और ये 4 का कॉम्बो है, तो मैं इसको ट्राई करने का सोच रही हूँ। तो मेरे पास में है ये पिंक कलर, देन ये ब्लू कलर, और फिर आई कहा गया इसका कलर नहीं है क्या, ये आई थिंक नॉर्मल ब्लैक कलर होगा, और ये ग्रीन कलर है। ये कौन सा कलर है, इस पर अब नहीं लिखा है ना, तो ये ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है कौन सा है। ये सिल्वर कलर है, ओके तो सिल्वर कलर है इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ओके तो ये सिल्वर कलर है। तो मैं कौन से कलर के साथ जाऊँ, मैं ब्लू के साथ जाऊँ, एक तो मैंने ड्रेस ऐसा पहन लिया है, तो मैं पिंक के साथ चली जाती हूँ, थोड़ा पिंक की लुक करके देखते हैं। सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेकआउट ज़रूर करना। ओके यहाँ पे लिखा हुआ पिंक है पर इसके अंदर में गोल्डन है, सो नो गोल्डन पे नहीं जाऊंगी। सो ये जो ब्लू है बहुत ही चटाक ब्लू है, सो मैं इस पे भी नहीं जाऊंगी। ओके सो ये ग्रीन थोड़ा ठीक लग रहा है, सो मैं ये ही अप्लाई कर लेती हूँ, और मुझे नहीं पता मैं क्या ही करने वाली हूँ। सो वेट, ये ग्लिटर लाइनर्स है, सो ओके ये काफ़ी अच्छे है, मतलब आप लोग देख सकते हैं। चलो इसी को अप्लाई करती हूँ, इसकी फ्रेग्रेंस कपूर जैसी है। आई थिंक ये ग्रीन उतना पॉपअप होके नहीं दिख रहा है जैसा ग्रीन इसमें दिख रहा है, सो ब्लू पे थोड़ा सा चले जाती हूँ। ये फेड हो जाएगा बट ये स्मज नहीं करेगा, सो ये चीज़ अच्छी है, फेड होना पुराएगा बट स्मज नहीं होना चाहिए। तो और आईब्रोज मैं यूज़ करूँगी ये मास्क का आईब्रो पैलेट, और इसमें तीन शेड्स मिल जाएंगे, ब्लैक, ग्रे एंड लाइट ब्राउन। सो ये जो लाइट ब्राउन है इसी से काम करेंगे, एंड इसी के बैक साइड में आपको इस टाइप का मिरर मिल जाएगा, तो इस मिरर से आप देखकर अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हैं। ओके थोड़ी सी ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, जो मैंने एक बार डिप करके लिया ना तो उसी में मैंने दोनों आईब्रोज कर दिए, तो थोड़ी ज्यादा ही पिगमेंटेड है, इसलिए थोड़ी सामने से
हेवी फील हो गई है, जबकि मैंने बहुत ही कम कम लिया, बट धीरे धीरे अभी ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। थोड़ा लोअर लैश लाइन पे भी मैं थोड़ा स्मज कर रही हूँ। सो फॉर मस्कारा, यस मैं मार्स का ही मस्कारा अप्लाई करूंगी। आई एम डन विथ माई मस्कारा। आप लोग देख सकते हैं मस्कारा ये सच में बहुत ही अच्छा है, मतलब ऑनेस्टली सच्ची बहुत अच्छा है। अफोर्डेबल में बेस्ट मस्कारा आपको मिलेगा। और या लिपस्टिक मैं सोच रही हूँ थोड़ी न्यूट्रल रखूँ, बोल्ड रखूँ, नहीं पता तो पहले न्यूट्रल पे जाते हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं बन गया तो सीधा बोल्ड पे चले जाए। इनसाइड का ये लिप लाइनर यूज करूंगी मैं। सो लिप लाइन का मैंने पूरा लिपस्टिक इसको फिल कर दिया है एंड काफी अच्छी लगी है ये लिपस्टिक, सॉरी लिप लाइनर। बहुत सारी बातें तो करनी है बट उसके लिए आप मेरे ब्लॉग्स देख लिया करो, क्योंकि जब भी मुझे बहुत ज़्यादा बातें करनी होती है मैं ब्लॉग्स करने लग जाती हूँ। ओके, तो मैं एक्चुअली कंफ्यूज्ड हूँ, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ शुगर का प्रिंसेस शेड और परफेक्ट परफेक्ट। पता नहीं क्यों मैं जब भी ये शेड लगाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, मतलब थोड़ी देर में ये इतना नेचुरल लुकिंग लगने लग जाता है, मतलब रियल में तो लगता ही लगता है बट थोड़ी देर में और सेट डाउन होने के बाद में बहुत ही अच्छा नेचुरल सा लगता है। पसंद है मुझे ये शेड। ओके, लैशेज आपको लगाना है नहीं लगाना है इट्स अप टू यू, बट जो लैशेज में हर बार, मतलब मैंने जो मैं आपको बताती हूँ अभी भी मेरी बहुत ही अच्छी हालत में है वो लैश, और लुक एट दिस लैशेज, सो ये कितनी अच्छी हालत में है ना। इसको मैंने रखा भी अच्छे से, मैं आपको और भी क्लोजली दिखाती हूँ। मैं इसको कम से कम 50 से ज़्यादा बार इसको वेयर कर चुकी हूँ, लुक एट दिस, इसको मैं 50 से ज़्यादा बार वेयर कर चुकी हूँ एंड इसका जो बैंड है वो भी काफ़ी थिन है, और इसका मैंने एक और एक सेट बाय किया है जो कि ये है, तो इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी। सो आपको टोटल इतने सारे शेड्स मिल जाए, लैशेज मिल जाएंगी, एंड ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ सेम कैटेगरी की है, थोड़ी सी हेवी है, लाइट है, बट सारे के सारे ना नेचुरल लुकिंग लैशेज है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 10 आपको लैशेज मिल जाएंगी। एंड मैं फिलहाल अपनी पुरानी वाली लैशेज ही यूज़ कर रही हूँ, बट अगर आपको लेना है तो गो फॉर दिस वन, आई जस्ट लव लव दिस लैशेज, बहुत ही पसंद है मुझे। Yes, I'm done with my lashes. थोड़े से हेयर चप्पू चप्पू लग रहे हैं, आई नो दैट, बट प्लीज़ अपने वैलेंटाइन डे वाले दिन प्लीज़ अपने हेयर को वॉश करके जाना। मैंने वॉश तो किया बट आज नहीं, दो दिन पहले किया था इसलिए शायद चप्पू चप्पू से हो गया है, बट अपने स्पेशल डे पे आप बहुत ही अच्छे से तैयार होके जाना। बेसिकली ये लुक मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा टर्न आउट होगा, आई मीन सीरियसली मैं बिल्कुल मतलब आई थिंक ये लेंस पूरा मेरा मेकअप को और ज़्यादा खींच रहे हैं, और ये लिपस्टिक एंड ये लैशेज, स्पेशली दीज लैशेज आर टू गुड। मैं अपने हजारों वीडियो में इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि ये लैशेज बहुत अच्छे हैं, मतलब लिटरली ये एक लैश, ओनली वन लैश मैं 50वीं 60वीं बार यूज़ कर रही हूँ। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप लैशेज यूज़ करो तो आप अच्छे से उसको रिमूव करके सब कुछ अच्छे से रख लो, सो आपके लैशेज लास्ट डेफिनेटली करेंगे जैसे मेरी कर रही है। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये लैश आप हर बार मेरे वीडियो में देखते हो। सो बेसिकली यही आज का लुक था, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत दिनों के बाद मैं मेकअप वीडियो कर रही हूँ सो इसलिए थोड़ी सी टायर्ड, और जैसे कि आपको पता है शिफ्टिंग वगैरह का घर में चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ी सी थकी थकी सी भी लग रही हूँ पूरे वीडियो में, बट अभी मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहा है और ये लुक इतना अच्छा लग रहा है ना, सो मैं अभी और 2-3 वीडियो शूट कर सकती हूँ, इतना अच्छा फील हो रहा है। सो डेफिनेटली आपके लिए और वीडियोज़ मैं शूट करूँगी आज, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको ये लुक अच्छा लगा है, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से चेकआउट करना सारे प्रोडक्ट्स का लिंक, और मैंने माय हॉल स्टोर का भी लिंक दिया है, सो आप अगर एक प्रोडक्ट एक लिंक पे भी क्लिक करोगे तो आपको पूरे प्रोडक्ट्स अपने आप ही मिल जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।